राहुल वैद्य बने हैं बॉस ऑफ द वीक। इससे खुशियों का तो पता नहीं, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा हो रही है। कौन कौन नाराज है चलिए बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। बाकी मुझसे बातचीत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। तो भाई, रूबीना दिलैक से कंपटीशन था राहुल वैद्य का। पांच लोग थे एक्चुअली ने ऑप्शंस में बॉस ऑफ द वीक के लिए। कौन कौन थे? राहुल वैद्य, रूबीना दिलैक, अली गोनी, निकी तंबोली और राखी सावंत। और इन पांचों में से राहुल वैद्य इज द बॉस। फाइनली रिजल्ट रिवील हुआ है और ये भी बताया गया है हैंडल पे कि रूबीना दिलैक जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में थी राहुल वैद्य के साथ, और बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस से राहुल वैद्य इस हफ्ते जीते हैं ये पोल। लेकिन रूबीना दिलैक के फैंस इससे बहुत नाराज हैं, ट्वीट कर करके कह रहे हैं कि भाई, हमने तो खुद मॉनिटर किया था 12 बजे तक, रूबीना दिलैक आगे थी राहुल वैद्य से, फिर आप ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी रिजल्ट कैसे ला सकते हैं? आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। आप ये मत भूलिए कि आपको जितना बज मिलता है वो रूबीना दिलैक और उनके फैंस से ही मिलता है। ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं रुबीना दिलैक के फैंस। इस पर अब क्या पता कोई रिएक्शन आएगा बिग बॉस का कि नहीं आएगा ट्विटर हैंडल पर, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल वैद्य के फैंस जो हैं वो खुशी बनाने में मशगूल हैं, वहीं रुबीना दिलैक के फैंस बिल्कुल नाराज हैं, गुस्से में हैं और ऐसे ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या इस मसले का कोई हल है, या ये इसको ऐसे ही चलने दिया जाएगा और अपने आप ठंडा हो जाएगा? आपको क्या लगता है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।